टू स्टार्ट फॉर लॉन्ग स्टोरी, और आपने ऐसे बोला कि आपका जो डिसीजन था, आपको आपको क्या लगता है डिसीजन आपके लिए कितना अच्छा रहा या बुरा रहा, क्या स्ट्रगल रहे, और इस ऑर्गेनाइजेशन में बताइए आपको क्या कब ज्वाइन करा, कैसा आपका सफर रहा है? अचीव किया है वो कोई भी हर 10% में पास होकर 11 में फेल होने के बाद कोई भी सीधे बनने की नहीं सोच सकता, बट मैंने उसके बारे में सोचा भी, और जो मेरे क्लास में जो फर्स्ट थे सब क्लास 1 तक के स्टूडेंट थे उनमें से अभी सीए मैं ही अभी रिसेंटली बना हूँ, तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ जो सीए बना, अभी तक कोई सीए बना नहीं है, तो मतलब जो किसी भी चीज को लेकर मैंने कभी कुछ गलत भी किया, तो स्पेशली मम्मी कैरेक्टर की भी बात आती है तो मैं मम्मी के बारे में, मम्मी किसी कोई भी मतलब ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बेटे के लिए हो सकती है, वो मतलब पूरी दुनिया से लड़ जाएगी बट अपने बेटे को, तो वो अपने हस्बैंड से लड़ जाएगी अगर अपने आपको जैसे बोला कि आपने खुद के डिसीजन लिए, यहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस लेवल कुछ अच्छा दिखता है, काफी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सुंदर आपकी स्टोरी तरीके से चेहरे बच्चे भी आपको पसंद है, आपकी सबसे स्टोरी बहुत नजदीक से लेके दूर बन जाइए स्टोरी ऑफ आई डिड इट इन एपिसोड फॉर्म, लेट्स वॉच. वो मेरी भाषा से मेरे तरह का नहीं,
नंबर दे और नंबर लाके रखो छाती दिखाओ दो मैं कुछ करके दिखाओ दो मैं कुछ करके दिखा दो सबको दिखाओ मेरा गोल सेट है मेरे क्लास में से कोई अब तक सही नहीं बना क्या बना 130 लोग थे सीबीटी का एग्जाम था पास हुआ सीबीटी का एग्जाम था हम ये आज जो पीछे में कोई नहीं था ना आज मेरे बारे में बात Gracias.